हरियाणा विधानसभा चुनाव पर R9 टीवी की सबसे बड़ी कवरेज। R9 टीवी का कारवां पहुंचा सोनीपत। क्या कहती है सोनीपत की जनता, कौन जीतेगा सोनीपत के लोगों का दिल, जल्द आपको दिखाएंगे सोनीपत की चुनावी ग्राउंड रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र 2019 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। जन आशीर्वाद यात्रा 12वें दिन भिवानी से शुरू होकर भवानी खेड़ा पहुंची, जहां सीएम का लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सीएम ने लोगों का अभिवादन किया और जनसभा को संबोधित किया। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भिवानी पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के 10 लाख किसानों को बड़ी राहत दी है। बैंक से ऋण लेने वाले किसानों का ब्याज पेनल्टी सरकार माफ करेगी, अब किसानों को मूलधन ही देना होगा। रोहतक में बीजेपी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला बोले, चुनाव लड़ने के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जन आशीर्वाद यात्रा, सेल्फी विद पन्ना, विजय संकल्प रैली और 10 से 14 सितंबर तक चलने वाले डोर टू डोर कार्यक्रम के जरिए जनता तक पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने झज्जर के गांव ढाकला में वन रैंक वन पेंशन पर बोलते हुए कहा कि हाथी निकल गया, बाकी पूंछ रह गई है। उनका इशारा था कि मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन मामले में बहुत कुछ कर दिया है और जो बाकी रह गया है वो भी जल्द कर दिया जाएगा। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने पार्टी के पहले स्थापना दिवस पर गुहारा में आयोजित रैली में चुनाव का बिगुल फूंका और कांग्रेस और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, दलितों और पिछड़ों की सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस और बीजेपी हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भोपाल सिंह के सेवानिवृत्त होने पर रखे गए नागरिक सम्मान समारोह में पहुंचे। वहां राव इंद्रजीत सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि गुरुग्राम को लुटने से बचाना है, लोग बाहर से पैसा कमाने के लिए गुरुग्राम में आ रहे हैं, ऐसे में गुरुग्राम वासियों को इस बात का पता रहना चाहिए। हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रावती पंचकुला में महिलाओं के सम्मान में किए गए एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची, लेकिन नाराज होकर कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर निकल भी गईं। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम में पूछा तक नहीं गया और राजनीतिकरण किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने सोमवार को होडल शहर और गांवों में दौरा कर 13 करोड़ 35 लाख रुपयों के विकास कार्यों का शिलान्यास कर शुभारंभ किया। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। हत्या और भ्रष्टाचार के मामले में 9 महीने जेल में रहने के बाद प्रदेश के पूर्व परिवहन और शिक्षा मंत्री ओम प्रकाश जैन ने पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए ओम प्रकाश जैन ने कहा है कि अब वो कोई गलती नहीं करेंगे, वो सिर्फ जनता की सेवा करना चाहते हैं।